إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़दफफ़ा दफ़ाउन आदिमा हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रबालमीन के लिए लायक और जेबा है और दरुद सलाम नाजिल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर ख़ुसूसन आख़री नबी हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहतरम हाजरीन पिछले जुमा के खुतबे में हराम कमाई के नुकसानात और हराम कमाई की कुछ शक्लें जो हमारे दरमियान रइज हैं इस पर गुफगू करने का मौक़ा मिला था और मैंने वादा किया था कि आइंदा जो खुतबा होगा वो हलाल रोज़ी हलाल कमाई क्यों ज़रूरी है और उसके जराए क्या हैं तो इन आज के खुतबे में हलाल कमाई के ताल्लुक से गुफ्तु होगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबुलमीन हम तमाम लोगों को हलाल कमाने की और हराम से बचने की तोफ़ी इनायत फरमाए रोज़ी के ताल्लुक से सबसे अहम अकदा ये है कि हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि रोज़ी का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है वो जब चाहता है जैसा चाहता है जितना चाहता है अता करता है कभी कभी इंसान को बहुत ज़्यादा नमाज़ देता है तो ये भी अल्लाह की हिकमत और मसलहत है और कभी कभी इंसान को बहुत मजबूर कर देता है ये भी अल्लाह तबार को की हमत और मसलहत है मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ कि इंसान जिस हाल में है जिस पोजीशन में है वो इम्तहान की हालत में है अगर अल्लाह ताली ने आपको बहुत खुशहाल रखा है तो आप समझिए कि अल्लाह ताली खुशहाल रख कर के आपका इम्तहान लेना चाहता है अगर अल्लाह ताला ने आपको परेशान किया है मजबूर किया है तो ये भी आपके इम्तिहान की घड़ी है कि ऐसे मुसीबत और परेशानी के मौका पर आप अल्लाह से किस कदर ताल्लुकात को मजबूत करते हैं इंसान जिस हाल जिस पोजीशन में भी हो इम्तिहान की पोजीशन में रहता है तो रोज़ियों का मालिक अल्लाह है जब चाहता है कुशादा कर देता है जब चाहता है तंग कर देता है अल्लाह ने फरमाया वमा फिल इल्ला बतिनफ़िल्लाज रिज़्क़ुहा ज़मीन के अंदर जितने जानदार हैं तमाम की रोज़ी का मालिक अल्लाह है अल्लाह हमको भी दे रहा है जानवरों को भी दे रहा है चरिंद परिंद कीड़े मकोड़ों को भी दे रहा है हमसे पहले जो आए उन्हें भी अल्लाह ने खिलाया था हमें भी अल्लाह ही दे रहा है हमारे बाद जो आएंगे उनको भी अल्लाह ही देगा तो हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि रोज़ी का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने दूसरे मकाम पर फरमाया वफिस समाई रिज कुमा तो तुम्हारी रोज़ियाँ आसमान में हैं और जो कुछ भी तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान ही में है यानी अल्लाह ताला आसमान से तुम्हारी रोज़ियाँ भेजता जो कुछ भी अल्लाह ताला तुमसे वादा किया है आसमान से नाजिल फरमाता है यानी दर मुतल सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है अल्लाह की ज़ात है अल्लाह जिसे चाहे दे जिसे चाहे रोक दे एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया मा उरी दो मिन हम व माँ उरी दो मैं ये इरादा नहीं करता हूँ कि वो मुझे रोजी देंगे और मैं ये भी नहीं इरादा करता हूँ कि वो मुझे खिलाएंगे इन रज़ाक बेशक अल्लाह तबार व तआला रोज़ी देने वाला है मतीन बड़ी क़वत वाला है ज़बरदस्त है अल्लाह को कौन खिलाएगा अल्लाह को कौन रोज़ी देगा सारी दुनिया को अल्लाह बांट रहा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि अगर सारी दुनिया के लोग एक मैदान में इकट्ठा हो जाएं और तमाम के तमाम लोग अल्लाह से अपनी मर्जी का सवाल करने लगें और उनके सवाल के मुताबिक अल्लाह ताला उनको नवाज दे तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं होगी अल्लाह का खजाना कितना बड़ा है सारी दुनिया के लोग जो चाहें सवाल कर लें अल्लाह सारे सवालों के जवाब को दे दे उनको उनकी चाहत के मुताबिक अता कर दे फिर भी अल्लाह तबारक तआला के खजाने में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी खजानों का मालिक अल्लाह है इसीलिए जो कुछ भी हमें मांगना है अल्लाह से मांगना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में चार महीने का होता है यानी एक सौ बीस दिन का अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है वो फरिश्ता उसकी नसीब को लिखता है ये कब पैदा होगा मोमिन होगा या काफिर होगा खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा कितना कमाएगा कहाँ मरेगा उसकी मौत कैसे आएगी मालूम ये हुआ कि दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने नसीब को लिख दिया है अब वो जो नसीब में लिखा है वो हो करके रहेगा एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से मौत इंसान के पीछे लगती है इसी तरीके से रोजी भी इंसान के पीछे लगती है मौत अपने वक्त पर आकर रहेगी रोजी अपने वक्त पर मिल कर रहेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई भी आदमी उस वक्त तक मर नहीं सकता है जब तक कि अपनी किस्मत का आखिरी निवाला न खा ले मालूम यह हुआ कि सारी रोजियों का मालिक कौन है अल्लाह है रोजी का मालिक तो अल्लाह है लेकिन अल्लाह ने रोजी को ढूंढने का हुक्म दिया अल्लाह ने रोजी को तलाश करने का हुक्म दिया बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि रोजी का मालिक अल्लाह है जो नसीब में है वो मिलकर रहेगा अल्लाह ने इंतजाम किया है ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है हमारी मस्जिद में पानी पीने का इंतजाम है लेकिन वो पानी आपके पास चलकर नहीं आएगा आपको उठकर जाना पड़ेगा पानी निकालना पड़ेगा गिलास में पीना पड़ेगा तो रोजी अल्लाह ताला ने लिख दी है इंतजाम कर दिया है रोजी को हासिल करने के लिए इंसान को तगोदो करनी पड़ेगी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी बाज लोग कहते हैं जो नसीब में है वो मिल कर रहेगा मेहनत करने के बाद जो मिलता है वही नसीब है मेहनत करने के बाद कोशिश करने के बाद हमें जो मिलता है वही नसीब है हम मेहनत ना करें कोशिश न करें और कहें जो नसीब में है मिल कर रहेगा तो ये बात गलत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोग अल्लाह पर भरोसा कर लें उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने भरोसा करने का हुक्म दिया है तो अल्लाह उस तरह रोज़ी देगा जैसे वो परिंदों को देता है परिंदे सुबह को अपने घोंसलों से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं शाम को वापस आते हैं तो पेट भरा रहता है का मतलब यह है कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए निकला जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि अल्लाह परिंदों के घोंसलों में रोजी पहुंचाएगा परिंदे सुबह को अपने घोंसलों से निकलते हैं और कहाँ तक जाते हैं जहां तक उनको रोजी ले जाती है मेहनत करते हैं परिंदे अपना पेट भरते हैं और चोच में कुछ अपने बच्चों के लिए भी लेके आते हैं इंसानों को भी यही हुक्म दिया गया है कि सुबह को निकलें, मेहनत कराएं अपने लिए भी कमाएं अपने बीवी बच्चों के लिए भी कमाएं, बैठे रहना अल्लाह पर भरोसा करना तवक्कुल का गलत मफहम निकालना यह गलत है अल्लाह ताला ने फरमाया वाल लिबासा, वजाल नहारा माशा हमने रात को आराम करने के लिए बनाया है दिन को माश रोजी तलाश करने के लिए बनाया रात में इंसान आराम करता है सुकून की नींद सोता है ताज़ा दम हो जाता है कुत और ताकत मिलती है सुबह को फिर रोज़ी के लिए निकल जाता है बाज लोगों ने निज़ाम को बदल दिया सिस्टम को बदल दिया दिन में सोते हैं रात में कारोबार करते हैं गलत है ग़लत है शरा एतबार से भी गलत है और तिब्बी एतबार से भी ग़लत वह लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं जो लोग रात में कारोबार करते हैं वो कुछ दिनों के बाद जहनी मरीज हो जाते उनके आजा काम करना बंद कर देते हैं अल्लाह ताला ने जो मीठी नींद रात में रखी है वो दिन में हमको नहीं मिल सकती है कानून फितरत से बगावत न करें अल्लाह ने जो निजाम सिस्टम बनाया है उसी निजाम और सिस्टम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें रात में सोएं आराम करें दिन में रोजी तलाश करें और अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट ये मामला कई जगह पर बयान किया है एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वो मिन आयाती ही जा लकुमुल्ल अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि उसने तुम्हारे लिए रात बनाई दिन बनाया ले तस्कुनू फी ही ताकि तुम रात में आराम करो बोले तब तो मिन फजल ही और दिन में रोजी तलाश करो रात सोने के लिए है दिन रोजी तलाश करने के लिए अल्लाह तबार व तआला ने फरमाया लकुम तशकुरून ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर दिन ही दिन होता तो दिमाग को सुकून नहीं मिलता अगर रात ही रात होती तो रोजी का मसला बहुत टेढ़ा हो जाता अल्लाह ताला ने निजाम बनाया रात में आराम करो ताजा दम हो जाओ सुबह को उठो फिर रोजी की तलाश में निकल जाओ अल्लाह तबारक उतला ने फरमाया फा खुद यति सलाह तुफन तशर उर्ज वगो बिन फजल्लाह जब नमाज से फारिग हो जाओ फईदा खुद यति सलाह तुफन तशर उफिल अर्ज जमीन में फैल जाओ वब तगो बिन फजल्लाह और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो नमाज के बाद अल्लाह ने बाहर निकलने का हुक्म दिया अल्लाह ने यह नहीं कहा कि नमाज पढ़ के तुम मस्जिद में बैठे रहो रोजियां मैं पहुंचा दूंगा अल्लाह ने क्या कहा फैजा खुदियत सलाहर नमाज से फारिग होने के बाद बाहर निकलो कारोबार में लग जाओ रोजियां तलाश करो अल्लाह का जिक्र करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ और हमारे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ने के बाद जब बाहर निकलो तो दुआ पढ़ लो अल्लाहनी असअलू का मिन फजल का इसका मतलब क्या है अरे अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूं फजल माने रोजी नमाज का और रोजी का बहुत गहरा ताल्लुक है नमाज के बाद जब रोजी के लिए निकलेंगे उसमें बरकत होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमायाजा सल्तफ अल्लाह जब तुमको अल्लाह से कुछ कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगो ईजा सल्तफ अल्लाह जो कुछ भी मांगना हो अल्लाह से मांगो अल्लाह के नबी वसल्लम ने जब यह हदीस बयान की साहब कराम कहते हैं हमारी जूती का तस्मा भी अगर टूट जाता था तो हम अल्लाह से सवाल करते थे लोगों के सामने हाथ फैलाना हमारी शरीयत इससे मना करती है है तो उमर बिन खताब रजी अल्लाह तारा ने देखा कि कुछ नौजवान मस्जिद में बैठे हुए हैं अल्लाह के जिक्र में लगे हुए हैं नमाज हो चुकी है तो नौजवानों से कहा बाहर निकलो जाओ रोजी तलाश करो तो नौजवानों ने क्या कहा हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले हजरत उमर रजी अल्लाह तला ने कोड़ा उठाया और मारने लगे कहा बाहर निकलो तुम मुझे तवक् सिखाते हो क्या तुमने अल्लाह तबार को तला का ये पैगाम नहीं पढ़ा फैजा कुला तो फन तशरुफिल नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलो रोजी तलाश करो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठे रहना और इस नीयत से बैठे रहना कि यहां हमको रोजी मिल जाएगी यह गलत है अल्लाह ताला ने रोजी तलाश करने का हुक्म दिया है अल्लाह के नबी ने रोजी तलाश करने का हुक्म दिया है चुनान हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक की दी हुई रोजी को तलाश करें ढूंढें इंसान को अपनी मेहनत से खाना चाहिए प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया अतबा मकल तुम इन कसब सबसे बेहतरीन रोजी सबसे बेहतरीन खाना वो है जो तुम अपनी मेहनत से खाते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है दाऊद अपनी मेहनत से खाते थे दाऊद अल्लाह के पैगंबर हैं ये लोहे का लोहे के सामान बनाते थे लोहार थे जरेह बनाना तलवारें बनाना नेज़े बनाना ये हैत दाऊद व सलाम का मशगला था मेहनत करके लोहार का काम करके खाते थे हैदेनूसम बढ़ई थे फर्नीचर का काम करते थे अपनी मेहनत से करके खाते थे अल्लाह के नबी वसल्लम तिजारत करते थे अपनी मेहनत से अपने हाथ की कमाई खाते थे और आपने अपनी उम्मत को भी यही हुक्म दिया मेहनत करके खाओ पसीना बहाओ अल्लाह रोजी जो लिखा है वो मिलकर रहेगा बैठे रहना सुस्ती काहली बहाना शिकवे शिकायतें ये दुरुस्त नहीं है आज नौजवानों का बड़ा तबका बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर अपने घरों में बैठा हुआ है बहुत अफसोस होता है बूढ़े माँ बाप बूढ़ा बाप बाहर कमा रहा है बूढ़ी माँ अंदर मेहनत कर रही है नौजवान डिग्रियां लेकर बैठा है कहता है नौकरी नहीं मिल रही है किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी न पढ़ते तो खाते सौ तरह कमाकर ये खोए गए और तालीम पाकर अपनी अपनी तालीम का घमंड अपना अपना हाई क्वालिफिकेशन का घमंड इंसान को मजबूर कर देता है और कहता है इतनी ऊंची डिग्रियां लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूं क्या अल्लाह के नबीम की वो हदीस हमने नहीं सुनी आपने फरमाया अल्लाह ताला ने जितने नबियों को भेजा वो तमाम के तमाम ने बकरियां चराई हमारे नबी ने खुद बकरी चराई साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आपने भी चराई कहा हां मैंने भी चराई मैं मक्का के लोगों की बकरियां चंद कीरात के बदले में चराया करता था मेरे भाइयों हिम्मत करो उठो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है बाहर निकलो तो सही मेहनत करो तो सही ये शिकवे शिकायतें बंद करो हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है क्यों नौकरी के चक्कर में लगे हुए हो तिजारत में कदम बढ़ाओ अल्लाह ताला ने तिजारत में बड़ी बरकत रखी है मेहनत करो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो अपने कंधे पर अपने कंधे पर सामान रख कर बेचते थे आज वो बड़ी बड़ी दुकानों के मालिक हैं मैं जाती तौर पर जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पहले कंधे पर रख कर व्यापार किया फिर ठेले में लेकर व्यापार किया फिर किराए की दुकान में किया आज वो दुकान के मालिक हैं हिम्मत करो अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को जरूर देता है ये शिकवे शिकायतें बंद करो और एक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में बैठ गया है यही करना है ये गलत है जो भी काम मिल जाए करो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स अपनी पीठ पर अपनी पीठ पर बोझ रखे ये बेहतर है उस अमल से कि वो किसी के सामने हाथ फैलाए किसी से भीख मांगे किसी से मदद मांगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है हम माली करके खाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम माली गरीबों का बोझ उठाते थे आप लोगों की मदद करते थे आपने कभी भी किसी काम को हकीर नहीं समझा आज वही लोग फकीर हैं जो कामों को हकीर समझते हैं जो हर काम नहीं करना चाहते बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं बेकार पड़े हुए हैं मैं उनसे कहता हूं कारोबार करो भाई कहते हैं नहीं कुछ नहीं मिल रहा अरे दुकान लगाओ बड़ी मार्केट से सामान खरीद करके छोटी मार्केट में बेचो लाओ शुरू करो अब्दुलरहमान अपने औफ फी अल्लाह तला हिजरत करके मक्का से मदीना गए साद बिन रबी ने क्या कहा? कहा ये मेरे घर के दो मंजिलें हैं आप जो चाहें पसंद कर ले मैं खाली कर देता हूं मेरे पास दो बीवियां हैं जिसको पसंद करें मैं तलाक दे देता हूं इद्दत गुजरने के बाद आप शादी कर लें अब्दुलरमान इब्ने औफ ने क्या कहा रजी अल्लाह ने कहा नहीं नहीं ये घर ये बीवी तुम्हें मुबारक हो ये घर ये बीवी तुम्हें मुबारक हो मुझे बाजार का रास्ता बताओ अल्लाह अकबर बाजार का रास्ता बताओ अब्दुलरहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह तआला ने कारोबार शुरू किया किस चीज़ का कारोबार तेल का घी का पनीर का तेल घी पनीर अल्लाह ने इतनी बरकत दी मदीने के ताजिरों से भी मालदार हो गए काम तो शुरू करो छोटा मोटा शुरू करो अल्लाह बरकत देगा यह मांगना यह हाथ फैलाना मुसलमानों में गदागरी बढ़ती जा रही है मस्जिद से बाहर निकलो मांगने वाले चौराहों पे खड़े हो जाओ मांगने वाले सिग्नलों पर देखो मांगने वाले और तुरफा यह है मांगने वालों में बड़ी तादाद किसकी है मुसलमानों की बल्कि मैं ये कहूं कि अक्सरियत मुसलमानों की है यह क्यों मेहनत ना करना पड़े एक बार जो आदमी मांग लेता है ना वो मेहनत नहीं कर पाता मेहनत से जी चुराने लगता है क्यों इसलिए कि मांगने से मिल जाता है तो कौन जाए मेहनत करे अल्लाह के नबी अलैहि सल वसल्लम के पास एक नौजवान आया उसने सवाल किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चाहते तो भीख दे सकते थे चाहते तो उसकी मदद कर सकते थे लेकिन किसी की एक दिन मदद करने से बेहतर है उसकी जिंदगी को संवारा जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम काम क्यों नहीं करते हो कहा अल्लाह के रसूल मैं काम करना चाहता हूं मेरे पास भंडवाल नहीं है मेरे पास कुछ है नहीं मैं करूं क्या हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हमें एहसास नहीं होता प्यारे नबी ने फरमाया जाओ देखो तुम्हारे घर में क्या है गया कहा अल्लाह का रसूल कुछ नहीं है एक कंबल है और पानी पीने के लिए एक प्याला है सिर्फ दो चीजें हमारे सामने बैठी हुई इतनी बड़ी जमात कोई इतना गरीब होगा अल्लाह ने हमको कितना नवाजा है हमारी बीवियों के पास कितने जेवरात हैं हमारे पास कितनी जायदाद है हमारे पास कितने घर मकान खेत खलियान हमें एहसास नहीं होता एक हिस्सा निकालिए कारोबार शुरू कीजिए थोड़ा सा हिस्सा बेच दीजिए कारोबार शुरू कीजिए क्यों मजबूर बने हैं क्यों हाथ फैला रहे हैं हमारे नबी ने कहा जाओ वही दो चीजें ले आओ नौजवान गया कंबल लेकर के आया प्याला लेकर आया सिर्फ दो सामान थे वो भी नबी ने बेच दिया कहा कौन इसको खरीदेगा एक सहाबी खड़े हुए कहा अल्लाह के रसूल मैं इसको दो आने में खरीदूंगा आपने वो कम्बल और वो लोटा दो आने में बेच दिया नौजवान को दो आने उसके हाथ पर रखा कहा जाओ एक आने का राशन खरीद कर घर में रख दो और एक आने का बाजार से कुल्हाड़ी लेकर आओ वो नौजवान गया बाजार में कुल्हाड़ी खरीदा नबी की खिदमत में लाया हमारे नबी वसल्लम ने उस कुल्हाड़ी में अपने हाथ से दस्ता लगाया अपने हाथ से दस्ता लगाया और कहा यह कुल्हाड़ी लो और जंगल में जाओ लकड़ियां काटो बोझ बनाओ सर पे रखो बाजार में बेचो पंद्रह दिन से पहले मुझे नहीं मिलना पंद्रह दिन के बाद फिर मुझसे मुलाकात करना वो नौजवान नबी के फरमान के मुताबिक गया कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया लकड़ियां काटी बोझ बनाया बाजार में ले जाकर बेचा पंद्रह दिन में अच्छे कपड़े पहन लिया चेहरे पे माशा अल्लाह रौनक आ गई खाना पीना दुरुस्त हो गया घर में राशन का इंतजाम हो गया अपने बाजू से कमाओ अल्लाह ने मर्द बनाया है अल्लाह ने मर्द बनाया है क्यों दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो क्यों शिकवे शिकायतें करते हो हमें कोई काम नहीं मिलता है बहुत सारे काम हैं कदम आगे बढ़ाओ मेहनत करो शुरू करो अल्लाह बरकत देगा नौजवानों जहन बदल दो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बनो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ न बनो अल्लाह ताला चंद मौके देता है उस मौके पर जब इंसान मेहनत करके कामयाब हो जाता है जिंदगी भर की कामयाबी हो जाती है लेकिन वो मौका अगर गंवा देता है फिर वो कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता है मौके को गनीमत समझो मेहनत करो ताकत लगाओ पसीना बहाओ अल्लाह बरकत देगा आज रोड पर करोगे, कल अल्लाह दुकानों का मालिक बनाएगा हिम्मत तो करो अल्लाह पर भरोसा रखो अल्लाह रास्ते निकालने वाला है अल्लाह के नबी वसल्लम के फरमान के मुताबिक उस नौजवान ने मेहनत की कोशिश की पंद्रह दिन के बाद उसके हालात बदल गए अच्छे कपड़े हो गए घर में राशन का इंतजाम हो गया खाने पीने का इंतजाम हो गया चेहरा खुशनुमा हो गया अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया ये कितनी अच्छी यह कितनी अच्छी रोजी है किसी के सामने हाथ फैलाते हो कभी कोई दिया कोई नहीं दिया कोई डांट दिया कोई भगा दिया मांगने वाला बेगैरत हो जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स लोगों के सामने हाथ फैलाता है भीख मांगता है कयामत के दिन उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा कितनी जिल्लत की बात है अल्लाह से मांगो इज्जत मिलेगी बंदों के सामने हाथ फैलाओगे जिल्लत मिलेगी रुसवाई होगी मुर्दों से मांगोगे तो ये शिरक हो जाएगा आज हमारे मुसलमान अल्लाह को छोड़कर सबसे मांगते हैं कोई बाहर निकला तो उसके सामने हाथ फैला देते हैं कोई मरे हुए लोगों के पास जाकर खबरों पर वहां सजदा करता है समझता है ये मेरी किस्मत बना देगा वो मर चुका है वो तुम्हारी किस्मत क्या बनाएगा ये है मुसलमानों का हाल और हम कहते हैं अल्लाह हमें रोजी नहीं दे रहा है हम कह रहे हैं अल्लाह कर्म नहीं कर रहा है हमने अपने हालात पर निगाह नहीं डाली हमने अपने आप के बारे में सोचा नहीं मेरे भाइयों हलाल कमाई कमाओ मेहनत से कमाओ और हमारी खवातीन भी सुन लें आपके मर्द आपके बेटे आपके घर के दूसरे अफराद ज्यादातर आपकी वजह से गलत काम करते हैं पहले जमाने में नेक ख़वातीन थी वो कहती थी हम मोटा झोटा पहन लेंगे रूखा फीका खा लेंगे झोपड़ी में रह लेंगे लेकिन हमको हलाल चाहिए क्यों इसलिए कि अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा आज की ख़वातीन क्या कहती हैं तू निकम्मा है मुझे मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए तू चोरी करके लाए या भीख मांग कर लाए क्या ऐसा नहीं है अच्छे घरों की खवातीन भी यह बात कहती हैं मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए तुम कहां से पूरा करोगे यह तुम्हारा मामला तुम्हारी वजह से इंसान गलत कदम उठाता है चोरी करता है डाका डालता है धोखा देता है और गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है मेरी माओ और बहनों तुम जमात की आबरू हो तुम चाहो तो अपने शौहरों को सही रास्ते पर लगा सकती हो अपने शौहरों से कहो मुझे जिल्लत की कमाई नहीं चाहिए इज्जत की कमाई चाहिए हम दो रोटी खाएंगे गुजारा कर लेंगे झोपड़ी में रह लेंगे गुजारा कर लेंगे अपने बच्चों को छोटे स्कूलों में पढ़ाएंगे लेकिन हमें हराम कमाई नहीं चाहिए इसलिए कि हराम कमाने वाला उसकी कोई भी इबादत अल्लाह को बोल नहीं करता पिछले जुमा के दर्स में मैंने बताया था हलाल कमाई ही जरूरी है अल्लाह ताला ने या आ मनु कुलूम इन तयियबा तमारो जक नाकुम ईमान वालो हमने जो पाकिजा रोजी दी है वो पाकिजा रोजी खाओ हलाल रोजी खाओ लिल्लाह और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो इनकुन तुम ईया होताबोन अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो अल्लाह ने हलाल रोजी खाने का हुक्म दिया हराम से अल्लाह ताला ने मना किया है इसी तरह अल्लाह ने फरमायास कुल हलाल तयबाए लोगो जमीन में जो हमने हलाल रोजियां रखी हैं वो हलाल रोजियाँ खाओ वला तब ओ खुतबात शैतान और शैतान की पैरवी न करो इन नहूल अदू मुबीन वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है आज पैसे की मोहब्बत में इंसान हलाल और हराम की तमीज को खत्म कर दिया है प्यारे वसल्लम ने फरमाया था एक जमाना आएगा लोगों को माल से मोहब्बत हो जाएगी हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी बस उसको पैसा चाहिए हलाल तरीके से आ रहा है या हराम उसको फिक्र नहीं होगी आपने यह भी फरमाया एक जमाना आएगा ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगा लोग पैसे के लिए अपने ईमान का सौदा करेंगे युस बेहो रजुल व युमसी काफिरन और युम सी ममिनन वह युस बेहो का फिरन ऐसा दौर आएगा कि इंसान सुबह को मोमिन रहेगा शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन रहेगा सुबह को काफिर हो जाएगा ये भी वो दीन बार जिमिनत दुनिया वो दीन को दुनिया के बदले में बेच देगा आज हम नमाज पढ़ते हैं नमाज कबूल होती है कि नहीं सदका खैरात करते हैं कबूल होती है कि नहीं मुसलमानों तोबा करो तोबा करो कमाई को पाक और हलाल करो जब तक कमाई पाक और हलाल नहीं होगी हमारी दुआ कबूल नहीं होगी हमें सुकून नहीं मिलेगा हमारे दिल नरम नहीं होंगे जुबान में असर पैदा करने के लिए हलाल कमाई जरूरी है दिल के नरम होने के लिए हलाल कमाई जरूरी है आमाल की कबूलियत के लिए हलाल कमाई जरूरी है डंके की चोट पर बात करने के लिए हलाल कमाई जरूरी है जो हराम खाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता उसका दिल मोटा हो जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हलाल की तालीम दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन... आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह तबारक तआला पाक है इन अला इल्ला तय्यबा अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीजों को पसंद करता है हमारे असलाफ शक की चीजों को भी छोड़ देते थे हराम तो छोड़ो शक की चीजों का भी इस्तेमाल नहीं करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने बिस्तर पर सोने के लिए गए देखा कि एक खजूर पड़ा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो सकता है यह खजूर सदके का है वरना मैं खा लेता हो सकता है ये खजूर सदके का है वरना मैं खा लेता अगर सदके का हो तो सदका तो हमारे लिए जायज नहीं है आज हम लोग जान बूझ कर खाते चले जाते हैं। आज एहसास नहीं है कि हलाल है कि हराम हमारे नबी ने फरमाया अल हलून वो अल हराम वो बई नुमा मुश्तबी कुछ चीजें हलाल हैं कुछ चीजें हराम हैं और कुछ चीजें मुशतबा हैं फज मुश्तबा مش, चीज़ों से बचो शुबहे की चीज़ों से बचो फमन वक़ा फिल शुबहत वक़ाफिल हराम जो शुबहत में पड़ जाता है वो हराम में भी पहुँच जाता है हमारे नबी ने खजूर सिर्फ इसलिए नहीं खाया मुमकिन है कि वो सदक़े का हो मेरे भाइयों अपनी कमाई को पाक करें वरना ना हमारी इबादतें कबूल होंगी ना हमारे सदक़े कबूल होंगे ना हमारी ज़ुबान में असर होगा ना हम कयामत के दिन अल्लाह के अल्लाह की पकड़ से बच सकेंगे आखिरी बात अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन इब्ने आदम के कदम एक इंच ना आगे बढ़ सकेंगे ना पीछे हट सकेंगे जब तक कि वो चंद सवालों का जवाब ना दे दे उसमें से एक सवाल ये होगा कि तूने माल कहाँ से कमाया था माल कहाँ से कमाया था आज हम सोचते हैं किसी तरह से भी आने आने दो कल क्यामत के दिन जब रब के दरबार में खड़ा होना होगा सोचो उस वक्त हालत क्या होगी उसके बाद कहां खर्चा किया था आने का रास्ता भी हलाल होना चाहिए और जाने का रास्ता भी हलाल होना चाहिए हलाल रोजी कमाओ मेहनत करो अल्लाह बरकत देगा तिजारत कर सकते हैं आप खेती बाड़ी कर सकते हैं आप आ, आ, क्या मैन्युफैक्चरिंग सनात व हरफत आप वो भी हुनर सीख सकते हैं आप किसी के यहाँ नौकरी कर सकते हैं मेहनत करो अल्लाह ताला देगा हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम हजरात को हलाल कमाने की हलाल खाने की इनायत फरमाए हराम कमाई से हमारी हिफाजत फरमाए हमारे बच्चों की हिफाज़त फरमाए हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए यकीन अल्लाह तबारक वाली हमारी दुआओं को सुनेगा जब तक अपनी कमाई को पाक नहीं करेंगे पाक करेंगे अल्लाह तला बरकत देगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबुलम हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुनतों पर अमल करने की तोफ़ी नायत फ़रमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर क़ायम रखे ख़ात्मा हो तो ईमान बिलखैर पर हो अकुल कवलिहाजा वस्तक फ़िर वलकुम वलसा मिनकुलज़म फस्त फ़िरगफ़ुररीम हु। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر واقيموا الصلاه